दर्शन न्यूज। पूर्णिया के भवानीपुर में विगत दिनों मारवाड़ी व्यवसायी गोपाल यादुका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की तथा प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये का लगाया आरोप। वहीं परिजनों के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता भी की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सीसीटीवी में कैद मुख्य आरोपियों को बचा रही है। देखिए, मृतक के परिजनों से हम लोग मिले और पूरी जानकारी जो है गोपाल स्वर्गीय गोपाल यादुका जी के जो दोनों भाई उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सारा विस्तार पूर्वक जो है घटनाक्रम वाइज बातें जो है बताई है। और एक विपक्ष के नेता होने के जो हमको जिम्मेवारी है कि इस परिवार को हम न्याय दिलाएं और पूरी बात सुनने के बाद यही बात आई है निकल कर के कि जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, इसमें सत्ता के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन से चल रहा है। यानी परिवार जो है, परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं है, ये साफ बात है। जो सीसीटीवी में जो बाइक चालक या शूटर है उसका भी मिलान जो है नहीं हो पा रहा है, जो परिवार के लोगों ने आशंका जो जताई है। और इसमें कई लोग जो है जमीन विवाद को लेकर के, हालांकि इन्होंने भी एसपी साहब को पूरे घटनाक्रम जो है बताई है और एसपी साहब ने इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया हो वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं, ना कि न्याय कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इसको लेकर के बिहार विधानसभा में आवाज उठाएंगे ताकि अलग से एसआईटी की भी गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिला पुलिस पे परिवार के लोगों को विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ दुनिया में जब भी अपराध होते हैं, जब भी मर्डर होता है, तो सत्ता में जो लोग उन्हीं के इर्द गिर्द जो है धूरी जो है घूमती रहती है और सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनको लगातार जो है यहाँ की जिला प्रशासन बचाने का काम करती है। तो ये बात जो है पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। जो घटना हुई, नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। बीमा भारती जी के जो बेटे हैं, 18 साल लगभग उम्र हुआ है,